हाई फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एस एस पी जियाट्रिक्स आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी दैट इज़ फेलियर टू थ्राइव फेलियर टू थ्राइव जो है वो हमारे पास कहीं कही ना कहीं ग्रोथ एंड है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग टॉपिक कॉन्टीन्यूशन में आता है जब जो बेबी है वो अपना जो चाइल्ड है हमारे पास वो एज के अकॉर्डिंग जो वो अपना वेट एंड हाइट उसका कहीं इंक्रीज नहीं हो रहा है दैट इज समेयर नोन एज फेलियर टू थ्राइव सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक फेलियर टू थ्राइव स्टार्ट विद द टॉपिक फेलियर टू थ्राइव डेफिनेशन फेलियर टू थ्राइव कैन बी डिफाइंड एज अ क्रॉनिक पोटेंशली लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन हु फेल टू गेन और मे इवन लूज वेट सो बेसिकली कभी कभी ये क्रॉनिक और लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर भी बन जाता है जब इन्फेंट और चिल्ड्रन जो है वो वेट गेन ना कर पाए अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और समटाइम जो बच्चे हैं जितना उनका वेट होता है उससे भी कम जो है वो कम होने स्टार्ट हो जाता है दैट मीन्स दे स्टार्ट टू लूज वेट वट आर द कॉज ऑफ दिस फेलियर टू ट्राइव दिज मे वी ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक एंड मिक्सड ऑर्गेनिक कॉजेज में आते हैं जैसे बेबी को और चाइल्ड में हैव कॉन्जेटल हर्ट डिजीज माल अब्जॉर्बेशन सिंड्रोम ट्यूबोकलॉसिस लीवर अपसेस कॉन्जेटल पाइलोरिक टिनॉसिस एंड गैस्ट्रोसोफेज रिफ्लक्स डिसऑर्डर अगर ये रीजन्स है तो वो भी कही कहीं ना कहीं फेलियर टू तो थ्राइव पे लीड करता है एंड नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज में पॉवर्टी है इलीट्रेट हैं पेरेंट्स वो बच्चे की नीड्स को इग्नोर कर रहे हैं कि उसकी कितनी फिजिकल नीड्स क्या है उसकी फिजोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या है फॉल्टी फूड हैबिट बच्चे की है वो सब चीज़ें जो है वो नहीं खाता है सिलेक्टिव जो है वो चीज़ें लेता है अपनी डाइट में एंड कन्फ्लिक्ट द फैमिली की एक अच्छा इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट फैमिली का नहीं है जहाँ पर बच्चा जो है वो इमोशनली डिप्राइव फील कर रहा है एंड मिक्स कॉजेज इट इज़ कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ बहुत ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज मीन्स अगर बच्चे कोई सिस्टमिक इलनेस भी हो सकती है अलॉन्ग विद द की फैमिली में या तो वो पुअर है, है, हैं या इलिटरेट हैं अवेयर नहीं है बच्चे की नीड के रिगार्डिंग उसकी नीड्स इग्नोर हो रही हैं और उसकी फॉल्टी फूड हैबिट्स है और कंफ्लिक्स चल रहा है फैमिली में तो बच्चा इमोशनली डिप्राइव हो रहा है सिम्टम्स ऑफ द चाइल्डहुड अंडर गोइंग फेलियर टू थ्राइव डिक्रीज और अपसेंट लीनियर ग्रोथ मीन्स फेलिंग ऑफ जो ग्रोथ स्टार्ट होता है जिसमें हम उसका एज अकॉर्डिंग उसका वेट एंड हाइट का एक ग्रोथ कर्व बनता है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज चल रहा है एंड इंटरेक्शन प्रॉब्लम्स बिटवीन मदर एंड चाइल्ड एंड वेट लेस देन द फिफ्थ परसेंट टाइल और एंड इन एडिकुएट रेट ऑफ वेट गेन

तो उस फिजिशियन की इनपुट उसमें जाएगी डाइटिशियन से हम उसके लिए आ, कुछ एक बैलेंस डाइट का एक शेड्यूल डाइट चार्ट बनवाएंगे जिससे जो बच्चे को टाइम टू टाइम कौन सी कौन सी चीज़ें उसकी डाइट में जानी चाहिए सो so दैट कि उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सबसे पहले फुलफ़िल हो सके और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होंगी तो समवेयर उसका बॉडी का वेट भी इंक्रीज़ होगा along विद द सोशल वर्कर्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो सो दैट so कि वो लोगों को आ, जो है एजुकेट कर सकें उनको अवेयर कर सकें कि समवे कहीं ना कहीं जो है कितने इम्पॉर्टेंस रखता है एक बैलेंस डाइट का पैटर्न बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए बच्चे का वेट हाइट और ये ग्रोथ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है लेटर ऑन उसकी फ्यूचर की हेल्थ को कितना इम्पैक्ट करेगा उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कितना इफेक्ट करेगा

और इट इज़ अ कमन अंडर फॉर्म ऑफ अब्यूज़ की बच्चा जो है वो फिज़िकली अब्यूज़ के अंडर आ रहा है कि उसको निगलेक्शन हो रही है उसकी राइट्स को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो अब्यूज़ के अंडर भी आ सकता है एंड प्रिवेंशन बेस्ट uh, है हमारे लिए कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें अगर उनके पास सब कुछ चीज़ें हैं तो हम उनको मींस uh, इतना इकोनॉमिकली भी थोड़ा स्टेबल है कि बच्चे को कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छे से उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं तो हम उन्हें एजुकेट करेंगे उनको अवेयर करवाएंगे रिगार्डिंग द नीड्स ऑफ़ द चाइल्ड की किस किस एज के बच्चे की क्या स्पेसिफ़िक नीड्स होती हैं जो हमें समवेयर फुलफ़िल करनी है फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ़ द चाइल्ड अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जितना जल्दी हो सके हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज अंडर कोई फेल टू थ्राइव वे माल न्यूट्रिशन के लिए जा रहा है तो उसे जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई करें और वेरियस प्रोग्राम्स हमारे पास हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन या डाइट के लिए प्रोवाइड करते हैं जैसे आई सी डी एस का है मिड डे मील प्रोग्राम है स्कूल लंच प्रोग्राम है न्यूट्रिशन वेरियस प्रोग्राम्स हैं तो उन चीज़ों उनके रिगार्डिंग भी हमें जो है वो जो पेरेंटल गाइडेंस जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूरेस्ट टॉपिक फेलियर टू थ्राइव अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और ऐसे ही और वीडियोज़ जो हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के रिगार्डिंग लेक्चर्स आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एस एस थैंक यू